कक्षा 11वीं विषय गणित विद प्रश्नावली 10 अध्याय 10 सरल रेखाएं। यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y बराबरी से m1x c1, y बराबरी से m2x c2 और y बराबरी से m3x + c3 है, संगामी है, तो दिखाइए कि m1 ब्रैकेट में c2 - c3 प्लस m2 ब्रैकेट में c3 - c1 प्लस m3 ब्रैकेट में c1 - c2 = 0। इसको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दी गई दो दो रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे। तो हमारे पास क्या दी गई रेखा का जो समीकरण है, दी गई रेखा का क्या समीकरण हमारे पास है, y बराबरी से m1x + c1, ये समीकरण पहला है। और दूसरी रेखा है y बराबरी से क्या m2x + c2, ये समीकरण नंबर दूसरा। और y बराबरी से क्या m3x + c3, ये समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब यदि हम समीकरण एक में से दो को क्या कर दे, घटा देते हैं, कुल मिला के इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम प्राप्त कर रहे हैं। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, जब समीकरण एक में से दो को घटाएंगे तो y से y तो घट गया, बराबरी से m1 - m2 x + c1 - c2। जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो धन से क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो अगली स्टेप देखेंगे, तो अगली स्टेप आपको कुछ ऐसी मिलेगी, x बराबरी से माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या c1 - c2 बटे m1 - m2। अब x के इस मान को हम समीकरण एक या दो में रखेंगे, तो माना कि समीकरण एक में x का हम क्या रख रहे हैं, मान। जब समीकरण एक में हम x का मान रखेंगे तो समीकरण एक में x का मान रखने पर y बराबरी से m1x था, तो m1 क्या के माइनस साइन, c1 - c2 बटे m1 - m2 + c1। जब इसको हल करेंगे तो y बराबरी से माइनस m1 का गुना इन दोनों पदों से होगा c1 - c2, और इसका गुना किससे, प्लस c1 से होगा। LCM लेंगे है ना, तो m1 - m2 बटे m1 - m2। जब इसको हम हल करते हैं, इसको हम क्या करते हल करते, तो मान क्या मिलेगा, y बराबरी से इसके -m1 c1 + m1 c1, ये दोनों घट जाएंगे, -(-) + ठीक है। तो ये हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी क्या m1 c2, और ये तो घट गया, फिर ये क्या c1 m2, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ आएगा माइनस क्या m2 c1 बटे m1 - m2। हमारे पास समीकरण एक और दो के प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए, समीकरण एक व समीकरण दो के कौन से प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए। तो इन प्रतिच्छेदी बिंदु को ध्यान से देखिए, तो पहला मान हमारे पास क्या है, -c1 - c2 बटे क्या m1 - m2, और दूसरा जो प्रतिच्छेदी बिंदु y का मान आया वो है m1 c2 - m2 c1 बटे m1 - m2, ये दूसरा प्रतिच्छेदी बिंदु। क्योंकि तीनों रेखाएं कैसी है, संगामी है, क्योंकि तीनों रेखा संगामी है, तो या तब तीसरी रेखा भी कौन से, ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु अपन ने प्राप्त किया है,
कौन से, ये माइनस सी वन सी टू बटे एम वन माइनस एम टू कामा क्या एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन बटे एम वन माइनस एम टू से जाएगी। इसी बिंदु से, क्योंकि तीनों की तीनों रेखाओं के बारे में कहा है कि ये संगामी है, अर्थात ये जो हमारे पास समीकरण है, इसलिए कौन सा समीकरण हमारे पास समीकरण था y बराबरी से, इसलिए y बराबरी से क्या m3 x प्लस c3 में क्या मान रखेंगे, y की जगह पर ये मान, x की जगह पर ये मान। जब इन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2 बराबरी से यह आएगा m3 और x का मान हमारे पास है माइनस c1 बटे c2 m1 माइनस m2 प्लस c3। एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू का गुणा कर दो तो ये दोनों के बटे से ये गायब हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन बराबरी से। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आप माइनस को अगर पहले निकाल लेते तो माइनस एम थ्री, ये क्या मिला, ये मिला हमको सी वन माइनस सी टू प्लस C3, यहाँ क्या मिलेगा M1 माइनस M2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमको कुछ ऐसा मान मिलेगा M1 C2 माइनस M2 C1। अब ये जब इधर से इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस M3 C1। ये जब इधर आएगा तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस तो गए, इधर आने पर ये फिर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा M3 C2। इसको जब इधर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा M1 C3 और ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस M2 C3 बराबरी से क्या जीरो। अब इनमें से M1 इसमें है और M1 इसमें है तो इन दोनों से यदि हम M1 को कामन ले, इन दोनों पदों से M1 को कामन लेते तो यहाँ बचा है C2 माइनस C3। इन दोनों पदों में क्या M2 कामन है तो M2 को कामन लेंगे तो ये बचेगा माइनस C1, और यहाँ से M2 को कामन लिया तो ये प्लस C3। तो हम C3 को पहले लिखेंगे क्योंकि वो प्लस है और C1 को बाद में क्योंकि वो माइनस है, और M3 को कामन लेते हैं तो ये C1 पहले और C2 बाद में, तो M3 क्या बचा हमारे पास, बचा C1 माइनस C2 बराबरी से कितना जीरो। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।